देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो रियल अप्रोच है एप्लीकेशन उसको सीखो। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ, मैं दो क्वांटिटीज है ना इसके अंदर दो क्वांटिटीज है। सबसे पहली चीज ये कि एक तो है फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट, ठीक है, एक है कॉस्ट, दूसरी है बुक। चले बुक कर ले बेटा, एक क्वांटिटी कॉस्ट, ये क्वांटिटी ये है, एक क्वांटिटी है। अगर और से तो ना दो वेरिएबल चले, कॉस्ट को मैं कह देता हूँ सी, इसको कैपिटल सी। अगर सवाल में कैपिटल सी चला तो आपको थ्रू आउट सी लेके आना, अगर सवाल में कैपिटल स्मॉल सी चला तो आपको थ्रू आउट सी चलाना। तो मैं इसको स्मॉल सी कर लेता और इसको स्मॉल बी कर लेता, और मैं कहता हूँ कि एक किताब कितनी की है। जरा यहाँ पर अब मैं मिटा रहा हूँ यूनिवर्सिटी को, अब जरा गौर से देखो, मैं कहता हूँ एक किताब कितनी की। बिल्कुल मैं एक किताब का कह देता हूँ कि वो $90 की एक किताब। ये देखो लिखा कॉस्ट ऑफ वन, क्या लिखा मैंने, कॉस्ट ऑफ वन बुक 90 है। बताओ टू बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, थ्री बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, बताओ क्या चीज कॉन्स्टेंट है। प्राइस ऑफ वन बुक इज कॉन्स्टेंट। अगर मैं वही बुक खरीदना चाहता हूं, आइडेंटिकल बुक खरीदना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसी बुक के वो कॉन्स्टेंट बनाना पड़ेगा। मुझे देखो सवाल में कॉन्स्टेंट, ये वही कॉन्स्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। आप बताओ वेरिएबल एक्स है, ये चेंज हो रहा है, कितनी किताबें चाहिए, चार, एक्स की जगह चार, 90 से मल्टीपल है। कितनी किताबें चाहिए, 10, एक्स की जगह 10, कॉन्स्टेंट से मल्टीपल है, कॉन्स्टेंट वही रहेगा। अब देखो सी इज इक्वल टू, बेटा देखो सी क्या है, कॉस्ट के बी, अरे देखो सी इज इक्वल टू के बी, मुझे कॉस्ट चाहिए, एक किताब की कॉस्ट $90 है, और बी कितनी किताबें चाहिए, 5, मेरी कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 450। नहीं समझ आया, और अगर मैं ये कहता हूं बेटा बात सुनो, कॉस्ट चाहिए 90 तो कॉन्स्टेंट चलेगा। अब आपको आज समझ में आ गया कि कॉन्स्टेंट क्या चीज होती है, कॉन्स्टेंट वो है जो किताब की कीमत है, कोई भी चीज है कॉन्स्टेंट रहे। अब अगर मैं चाहता हूं मुझे 10 किताबें खरीदनी है वो ही वाली, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 900। चलो एक काम और हो सकता है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास तो $540 है, तो मैं चाहता हूँ $540 की किताबें खरीद लूँ, $540 तो मेरे पास क्या है कॉस्ट, मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ बुक्स, कितनी किताबें खरीदूंगा। तो बेटा बताओ अगर मेरे पास $540 मौजूद है तो मैंने इसमें डाल दिया, कॉन्स्टेंट है 90 और बी है नंबर ऑफ बुक्स। अब की बार आप नंबर ऑफ बुक्स निकालेंगे, पैसे हैं, नंबर ऑफ बुक्स नहीं मालूम कितनी ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएगी, यहां पर क्या लगूंगा बी, ये 90 मल्टीप्लाई यहां जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं लिखूंगा 540 डिवाइड में 90 इज इक्वल टू बी, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो बी इज इक्वल टू 6। तो मैं कह सकता हूं कि मैं 6 किताबें कितने की खरीद सकता हूं, मैं 6 किताबें $540 की खरीद सकता हूं। मैंने आज आपको ये बताया है कि कॉन्स्टेंट क्या होता है, क्योंकि के आ रहा है कॉन्स्टेंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में यही होता है। अच्छा एक बात आप याद रख ले, डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई होता है। देखो हम एक बात बताओ, एक किताब ₹90 की, एक किताब $90 की, और मैं आपसे कहता हूँ दो किताबें खरीदे, तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई जितनी बढ़ता जाएगा मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसका मतलब यह है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हम हमेशा मल्टीप्लाई यूज करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हम हमेशा क्या यूज कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई यूज कर रहे होते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पे चला जाएगा। अब यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, हर दफा ऐसा नहीं होता। अब अगर मैं यहाँ पे बोलू टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एस, तो क्या हुआ बताओ, क्या लिखूंगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एस, टी इज इक्वल टू के एस, क्योंकि डायरेक्टली है। अच्छा जब डायरेक्टली होगा आपके दिमाग में क्या आएगा, चलो बताओ डायरेक्टली है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सोचो मेरे पास पैसे भी हैं किताबें भी, उधर उधर किताबें,
इधर मेरे जेब में पैसे, तो बताओ आपके दिमाग में क्या आएगा अगर डायरेक्टली भोजन है? मल्टीप्लाई तो होगा और चलेगा क्या आपके दिमाग में? और वेरी गुड, क्या जवाब दिए इन्होंने ये बेटा। मैं पहले देख रहा था आप बड़े गौर से मेरी बात सुनते, तो मुझे पता था आप इसका जवाब देने में कामयाब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये किताबें हैं, ये देखो ये कॉस्ट है, ये किताबें हैं, अगर मैं पैसे बढ़ाऊंगा मुझे मेरी किताबें भी ज्यादा हो जाएंगी, और अगर मैं पैसे कम दूंगा तो मेरी किताबें भी मेरे पास कम आएंगी। ये बात सबको समझ में आ गई? इसको मैं मिटा रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ एक मिनट।